आप देख रहे हैं रमजान मेहरबान और मैं हूं आपके साथ फातिमा सैफ। जिन नाज़रीन ने मुझे अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चलूं, आज मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, ही इज़ एमडी वासा, और साथ ही साथ बहुत जाने माने मशहूर जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, जवाबदेह प्रोग्राम करते हैं जियो पर, इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आई होप यू आर इन्जॉइंग माई शो, और मुझे तो आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सर, आपके बारे में कहा जाता है, ये हकीकत है, कि आपने एक आप ट्रेंड सेटर हैं, ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपके जो प्रोड्यूसर्स थे, आपकी टीम ने आपको यूज किया आपके एग्रेशन को। नॉट माय प्रोड्यूसर, जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने। ऑलराइट, बॉसेस टीम तो मेरी बिल्कुल एक घर की तरह की है। ठीक है, ठीक है, आप सोच नहीं सकते कि आपके बॉसेस ने आपको यूज, मतलब यूज नहीं किया। हाँ। ये गलत बात नहीं कर रहे, प्लीज। हाँ। यूज कर रहे थे किसी को, उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक चीज है, हाउ टू यूज इट। देखिए, किसी एग्रेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्शन दी। ठीक है, अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जो प्रोग्राम था, अपनी नौयत का वाहिद था, जिसमें आपका स्टाइल बड़ा एग्रेसिव था, ठीक है, आप बड़े चुपते हुए सवाल, बहुत क्लियर सवाल करते थे, तो उसके बाद सबने आपको कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन आपके प्रोग्राम में रिसर्च होती थी, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया और आपने एक वाक्या भी सुनाया। आप कैसा लगता है, आप देख रहे हैं हर प्रोग्राम करंट अफेयर का, उसमें लोग अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने लहजे के थ्रू बदतमीज होकर क्वेश्चंस को कट करके ओवरलैप करते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च नहीं होती। देखो, हमने जवाबदेह को बंद कर दिया। जब ये मैं बंद कर रहा था, सबने कहा क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने कहा हर चीज़ की एक शेल्फ वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाबदेह को वापस लेके आऊँगा आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद मेरे लिए नए गेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, गेस्ट का एक लेवल भी होना चाहिए। अगर हर आदमी को आप जवाबदेह में लाना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप में प्रोग्राम को तबाह कर लेंगे। अब मैं अवाम की अदालत कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, इश्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी मेरे पिछले दो इश्यूज़ थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे, हम कौम नहीं हजूम है, हम कौम नहीं हजूम, हमने डिबेट की इसके ऊपर। अभी हमने पिछला जो प्रोग्राम किया उसके ऊपर भी इसी किस्म की हमने बातें की हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की करके देखी है, हमने अब इस पर बात करके देखी है कि क्या कोई गरीब आदमी ज़कात, हमने कहा कि क्या हुकूमत ज़कात ले सकती है, हमने इस पर बात की कि क्या कोई गरीब आदमी या आम आदमी मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है। हम इश्यूज पर बात कर रहे हैं, नौजवान आते हैं कॉलेजेस के, जो ऑडियंस है मेरी, मैं उसमें बात, उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ देखने वाले को मिल जाए। बाकी रहा आपका सवाल, देखें ये अच्छा ट्रेंड नहीं है जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं, इससे हमें नुकसान होगा। जो रेटिंग का झगड़ा है ना, ये कितने दिन आप मेंटेन कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा ये नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा सर, ये बताइए, आपकी जो पोस्ट है, मैं पहले भी जिक्र करी थी, इस पर बड़ी तनकीद होती है, चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा है ना, आपने जैसे कर किया, बहुत से मसाइल हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि यू योर सेल्फ, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, आप फिट इन करते हैं इस जॉब में, आप जिससे पाए कर रहे हैं? सही पूछें तो मैं नहीं, अपने आप से मैं समझता हूँ कि फिर अगर आप ओपन बात में, मैं आज भी इंस्पायर चलो खास आपसे ही हो जाता हूँ। देखिए, बात ये है कि ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है, मैं अपने आप को तो कह सकता हूँ कि जी मैं अपने आप को डिवोट करता हूँ, लेकिन जो मैं डिवोशन फिर नीचे एक्सपेक्ट करता हूँ ना, वो सब भी नहीं है, और कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, उनमें बहुत अच्छे लोग, आखिर ये सिस्टम चल रहा है लाहौर का, तो अच्छे लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं चला रहा, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस तरह मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे हो जाएं, वो अभी स्टेज नहीं आई। ठीक है, क्या वजह है, कोई आपको इंटरविजन तो नहीं है किस किस्म की, जिसकी वजह से आपके कामों में रुकावट आती है, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके काम, आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हो, लेकिन पीछे से कोई ऐसी इंटरविजन होती है कि वो प्रोजेक्ट ठप हो जाता है वहीं पर? नहीं, देखिए बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं भी, ये कुछ बातें, ये रिसोर्सेज की भी बात होती है, कुछ ये जैसे आप टैरिफ है हमारा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी रुकावटें हैं इसमें भी, जिस वजह से जो आप, लेकिन इसके बावजूद ये गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें पुश भी हो रही हैं, पुश भी हो रही हैं। सर सर आप लोग हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक का वक्त हो गया है और अफ्तार का भी वक्त हो गया है। नाज़रीन, आप लोग अफ्तारी करें, हम भी अफ्तारी करते हैं, अफ्तार के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। बिन वदाक बिन मुआ